हेलो बच्चों, क्लास टेंथ की साइंस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। ये क्लास टेंथ साइंस का लेक्चर नंबर 12 है। अब तक हम कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव कन्वेक्स मिरर ये सब देख चुके हैं। रिफ्लेक्शन क्या होती है, कैसे होती है, रिफ्रैक्शन क्या है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन 11 लेक्चर्स। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास टेंथ साइंस नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा। उस फोल्डर में आपको सारी वीडियोस कंप्लीट, अभी तक हमने जितना किया है वो सारी वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो आज लेक्चर नंबर 12 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। वी ऑलरेडी नो व्हाट इज रिफ्लेक्शन, वी ऑलरेडी नो व्हाट इज रिफ्रैक्शन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। नाउ द पार्ट कम्स इज रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंसेज। अब वो लेंसेज कौन कौन से हैं वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, इससे पहले कि हम ये देखें कि किसी लेंस में से रिफ्लेक्शन क्या होती है, पहले ये समझना जरूरी है कि लेंस है क्या, कैसे बनता है, कितने टाइप के लेंस हमारे पास अवेलेबल हैं, इनके यूज़ कहाँ कहाँ पे हैं और किस चीज़ के लिए हम लेंस के यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ कि लेंस क्या होता है, बाद में देखते हैं लेंस हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ हमने लेंस देखा है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, आपने देखा होगा जो हम चश्मे यूज़ करते हैं, चश्मे में लेंस लगा होता है। हम बोलते हैं कि 1.25 पावर का लेंस है। तो ये लेंस हमने देखा है सबसे पहले, जो कॉमन हम डेली देखते हैं चश्मों में लेंस लगा होता है। नेक्स्ट आपने देखा होगा टेलीस्कोप में लेंस होता है, माइक्रोस्कोप में लेंस लगा होता है, और आपने देखा होगा जो कैमरा हम यूज़ करते हैं, चाहे वो मोबाइल का कैमरा हो, फ्रंट कैमरा हो, रियर कैमरा हो, या कोई DSLR कैमरा हो, कैमरा में लेंस लगा होता है। अलग अलग पावर के लेंस लगे होते हैं। अगर हम बात करें कैमरा की तो उसमें जो लेंस लगा होता है वो कुछ कम पावर का होगा, लेकिन अगर हम DSLR की बात करें तो आपको जो क्लैरिटी में डिफरेंस दिखाई देता है फ़ोन और DSLR कैमरे से ली गई फ़ोटो में, जो आपको डिफरेंस दिखाई देगा, द डिफरेंस इज़ ऑफ लेंस, कि आप कितनी पावर का लेंस यूज़ करते हैं। तो DSLR में हाई पावर का लेंस यूज़ किया जाता है, उसकी जो फ़ोटो क्लिक की जाएगी वो उतनी ही अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो होगी। तो ये हमने डिफरेंट यूजेस देखे कि हम लेंस को कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम लेंस को यूज़ क्यों करते हैं। तो बच्चों, लेंस को यूज़ किया जाता है दूर की चीज़ को पास देखने के लिए, पास की चीज़ को थोड़ा दूर देखने के लिए, छोटी चीज़ को बड़ा देखने के लिए, बड़ी चीज़ को छोटा देखने के लिए। ये एक कॉमन चीज़ें हैं जो लेंस की हेल्प से हम करते हैं। बड़े को छोटा, छोटे को बड़ा, पास को दूर, दूर को पास देखना, यही जो इसके यूजेज आप कह लो या इसके फीचर्स कह लो, ये लेंस के फीचर रहते हैं, ये काम लेंस कर सकता है। अब क्वेश्चन आता है, लेंस फिर है क्या, व्हाट इज लेंस। लेंस क्या है बच्चों, लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम कह लो या मटेरियल कह लो, लेंस क्या है, लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल या मीडियम है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेड अप ऑफ ग्लास, वैसे तो लेंस आपने मोस्टली देखे होंगे ग्लास के बने होते हैं, ग्लास का बना होता है लेंस, जैसे आप चश्मे की बात ले लो, लेकिन आजकल के टाइम में प्लास्टिक के भी लेंस आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे बाज़ार में जो 50 या 100 रुपए का चश्मा हमें मिल जाता है, उसमें जो लेंस, उसमें भी लेंस लगा होता है, वो जो लेंस लगा होता है वो प्लास्टिक का बना होता है। तो मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ नहीं करूँगा कि ग्लास का बना होता है, क्योंकि डिफरेंट मटेरियल के लेंसेज हम आजकल के टाइम में देख सकते हैं विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस। तो मैं सिंपल यहाँ पे बोल रहा हूँ, व्हाट इज लेंस, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम और मटेरियल हैविंग बोथ ऑफ इट्स सरफेसेस दैट इज कर्व्ड। इसके दो सरफेस होंगे, बिल्कुल दिमाग में क्लियर कीजिए पहली चीज़, किसी लेंस में दो सरफेस होते हैं। आपको कंपैरिजन भी दिखा दूंगा मिरर के साथ कि लेंस और मिरर में डिफरेंस कहाँ पे आता है। मिरर का अगर आपको ध्यान होगा, मिरर में सिर्फ एक ही सरफेस कर्व्ड होता है। जैसे मैं यहाँ पे दोनों मिरर यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, कनकेव मिरर भी और कॉन्वेक्स मिरर भी। आपको ध्यान होगा ये मिरर कौन सा है। बच्चों, अगर आपने पुराने वीडियो लेक्चर जितने भी हमने अभी तक कंडक्ट किए हैं उनको ध्यान से देखा होगा तो आप आँखें बंद करके बता सकते हैं दिस इज़ कॉन्केव मिरर। And the second one is like this.
और ये कौन सा मिरर है? बच्चों ये मिरर, इस मिरर का नाम है कॉन्वेक्स मिरर। तो मैं बात कर रहा था कि लेंस और मिरर में आपको डिफरेंस भी यहाँ से समझ आ जाएगा। मिरर में सिर्फ एक ही सरफेस कर्व्ड है, लेकिन अगर मैं लेंस की बात करूँ, लेंस हैव टू सरफेसेस एंड बोथ ऑफ द सरफेसेस आर कर्व्ड। तो लेंस की अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो लेंस क्या है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। व्हाट इज लेंस? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट, बच्चों ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंट का मतलब एक तो आप सिंपल कह सकते हो जिसमें हम आर पार देख सकें, या एग्जैक्ट जो ट्रांसपेरेंट के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे वो है कि जिसमें से लाइट पास हो सके, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल और ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ट्रांसपेरेंट क्या है? जिसमें से लाइट पास हो सके। सो व्हाट इज़ लेंस? लेंस इज़ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल और मीडियम, जो भी आप लिखना चाहें, मीडियम और मटेरियल having both of its surfaces curved, जिसके दो सरफेस होंगे और दोनों के दोनों सरफेस कैसे होंगे? कर्व्ड होंगे। ऐसे जो मटेरियल होगा, ऐसा जो मीडियम होगा, उसे हम बोल देते हैं लेंस। तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी हैं, कोई कर्व्ड सरफेस कैसे कैसे हो सकता है, फिर उनको नाम भी देंगे। तो मैं यहाँ पे साथ में लिख देता हूँ कि लेंस हमारे पास कितने टाइप का है? टू टाइप्स। दो ही पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, हालांकि तीन हैं, तीसरी भी दिखा देता हूँ, लेकिन उसको हम क्यों लेंस में काउंट नहीं करते वो भी आपको यहाँ पे बता देते हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो बच्चों यही है कि कर्व्ड सरफेस कुछ ऐसा हो, दिस इज़ पॉसिबिलिटी नंबर वन। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज़, आई होप यहाँ पे आपको विजिबल होगा, थोड़ा छोटा ड्रॉ करूँगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कर्व्ड सरफेस हो सकता है कुछ इस टाइप का हमारे पास हो। ये दो पॉसिबिलिटी हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी की जो मैं बात कर रहा था वो ये है, इसे हम क्यों लेंस में काउंट नहीं करेंगे? बच्चों यहाँ पे हमने लिखा है हैविंग बोथ ऑफ इट्स सरफेसिस कर्व्ड। कर्व्ड होने का मतलब कुछ घूमे हुए होने चाहिए, ये तो बिल्कुल सीधा है, तो यहाँ पे कोई कर्व्ड सरफेसेस नहीं है। दैट्स वाई दिस इज़ नॉट काउंटेड एज लेंस, इसे हम लेंस में काउंट नहीं करते। दिस इज सिंपली कॉल्ड एज ग्लास स्लैब, इसे हम सिंपली बोलते हैं ग्लास स्लैब। तो इसे हम यहाँ पे नोट डाउन नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज़ नॉट काउंटेड इन द कैटेगरी ऑफ लेंस, सो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। हमारे पास ये सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं जो मैंने आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ की हैं लेंस की। देखिए इसका ये सरफेस भी कर्व्ड है, ये सरफेस भी कर्व्ड है, दो सरफेस, ये सरफेस भी कर्व्ड है, ये सरफेस भी कर्व्ड है, दो सरफेस हैं, दोनों के दोनों सरफेस कैसे हैं? कर्व्ड हैं। अब इनको हम नाम देते हैं कि इन्हें हम किस नाम से बुलाएंगे। ओके, यहाँ पे आई ड्रॉ कर देते हैं हमारी बटन जैसी एक आँख, यहाँ से हम देख रहे हैं इस साइड को, इस साइड को हमें दिखेगा ये वाला सरफेस, दिस इज साइड व्यू। बच्चों एक और चीज़ ध्यान रखना, अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर जो लेंस हमने देखे हैं, चाहे वो कैमरा में देखा हो, चाहे हमने माइक्रोस्कोप में देखा हो, टेलीस्कोप में देखा हो, या हमने चश्मे में देखा हो, वो तो हमें ऐसे नहीं दिखाई देते, वो चश्मे तो हमें ऐसे नहीं दिखाई देते, हमें तो वो गोल दिखाई देते हैं। लेंस जो हमने देखे हैं वो हमें गोल दिखाई देते हैं। तो बच्चों ये जो हमने फिगर ड्रॉ की है, दिस इज साइड व्यू। तो एक और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये जो हमने चीज़ें ड्रॉ की हैं, ये लेंस का साइड व्यू है। अगर आप फ्रंट से देखेंगे, अगर आप बिल्कुल सामने से देखेंगे, तो सामने से आपको लेंस ऐसा ही दिखाई देगा। तो ये दिमाग में क्लियर रखना कि बच्चों लेंस सामने से गोल ही दिखाई देगा, लेकिन अगर हम साइड से ड्रॉ करें, साइड व्यू ड्रॉ करें, तो साइड व्यू हमें ऐसे दिखाई देंगे। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि इसे नाम देना है, ये कौन सा लेंस है। बहुत आसान है, कोई रट्टा नहीं मारना है कि ये इस लेंस को नाम कैसे दें, इसे क्या बोलते हैं। ये हमारी बटन जैसी आँख, यहाँ से हम देख रहे हैं, मुझे क्या दिखाई देगा? सिर्फ ये वाला फेस, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, दोनों में से देखिए, दोनों में से देखिए किसके साथ ये मैच कर रहा है।
किसके साथ ये मैच कर रहा है, इसके साथ, तो ये कौन सा मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर, इसे हम क्या नाम देंगे, इसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगी कि इसे कॉन्वेक्स क्यों बोला, याद रखना बहुत आसान। अगर आपको ये दोनों ध्यान है कि इसे हम क्या बोलते हैं तो कंपेयर कीजिए, यहाँ से हम देख रहे थे, यहाँ पे भी हम यहाँ से देखते थे, ये हमारी बटन जैसी आँख, हमें क्या दिखाई देता था, ये यहाँ से देख रहा हूँ क्या दिखाई दिया, ये किसके साथ मैच कर रहा है, कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज़ कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। अब दूसरा बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो ये कौन सा लेंस होगा, दैट इज़ कॉनकेव लेंस। और अगर आप ऐसे भी देखना चाहें, ये हमारी बटन जैसी आँख, यहाँ से देखूँगा क्या दिखाई दिया, कुछ ऐसा सरफेस, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, नाम क्या देंगे, कॉनकेव लेंस। सो दिस इज़ हाउ वी ड्रॉ टू टाइप्स ऑफ लेंसेज, इनको डिफाइन कैसे करना है वो भी सीखते हैं। पहले इतना बताएं आपको समझ आया या नहीं, एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा। जो बच्चों हमने मिरर पढ़े थे, हमने पहले कॉनकेव मिरर पढ़ा, फिर हम कॉन्वेक्स मिरर पे आए थे, तो स्टार्टिंग थी कॉनकेव फिर कॉन्वेक्स मिरर। फिर यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत करना, जब भी हम चीज़ें आगे पढ़ेंगे, फर्दर पढ़ते जाएंगे, यहाँ पे हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स लेंस को पहले पढ़ते हैं, कॉनकेव लेंस को बाद में पढ़ते हैं। रीज़न बींग जो इमेज फॉर्मेशन होती है, कॉनकेव मिरर में, वो किसके साथ मैच करती है, विद दिस कॉन्वेक्स लेंस, और जो इमेज फॉर्मेशन होती है कॉन्वेक्स मिरर में, वो मैच करती है विद कॉनकेव लेंस। तो इसीलिए कॉनकेव मिरर को हमने पहले पढ़ा, इसकी इमेज फॉर्मेशन किसके साथ मैच करती है, इसकी इमेज फॉर्मेशन मैच करती है मैचिज, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी देता हूँ, मैचिज इमेज फॉर्मेशन, कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन मैच करती है किसके साथ, कॉन्वेक्स लेंस, जो प्रॉपर्टीज़ होंगी किसके साथ मैच करती हैं, कॉन्वेक्स लेंस। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कॉनकेव मिरर पहले, यहाँ पे पढ़ेंगे कॉन्वेक्स पहले, कॉन्वेक्स पढ़ा था बाद में, कॉनकेव पढ़ेंगे बाद में, क्यों, दोनों की जो इमेज फॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैच करती हैं। तो आई होप जितना अभी तक हमने पढ़ा है, बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आई होप बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। बच्चों आज का लेक्चर बहुत हैवी नहीं रखूँगा, बिल्कुल बेसिक सी बातें करेंगे। लेंस क्या था ये हमने डिस्कस कर लिया, दो टाइप के लेंस हमने देख लिए, दोनों को डिफाइन करेंगे, और इनसे रिलेटेड जो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सिर्फ वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। रेस्ट पार्ट आपको कमिंग वीडियो एक या दो दिनों में मिल जाएगी, उसमें हम कवर कर लेंगे। तो आज का लेक्चर हैवी नहीं रखेंगे, काफ़ी दिनों बाद आज हम लेक्चर यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं, सो शॉर्ट रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वी विल कवर ऑल द थिंग्स। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस, इसे डिफाइन करना है। कैसे हमने ड्रॉ किया था कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज़ हाउ वी ड्रॉन कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे लिख भी देते हैं, दिस इज, बच्चों दो तरीके हैं डिफाइन करने के, दोनों यहाँ पे आपको बता भी दूंगा, लिख भी दूंगा। सबसे पहले जो बिल्कुल ईजी डेफिनेशन है वो अगर आप देखें तो जो कॉन्वेक्स लेंस है ये बीच से मोटा होता है, और अगर हम साइडों की तरफ जाएँ तो साइडों से पतला होता है, थिन होता है। एक डेफिनेशन जब हम कभी लैब में मिलेंगे वहाँ पे आपको दिखा भी दूंगा, हमारे पास लेंस अवेलेबल हैं, तो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको वहाँ पे दिख भी जाएगी, आपको ये जिसको बोलते हैं एक्टिविटी भी करने को दी जाती है, आपके सामने लेंस रख दिए जाएंगे, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, एक ग्लास लैब रख दी जाएगी, बोला जाएगा बेटा पहचानो इनमें से कॉन्वेक्स कौन सा है, कॉन्केव कौन सा है, ग्लास लैब कौन सी है। कॉन्वेक्स कैसे पहचानोगे, कॉन्वेक्स लेंस बीच से मोटा होगा, साइडों से पतला होगा, वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। डेफिनेशन भी यही बन गई, एक डेफिनेशन और क्या हो सकती है, कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस है जिसके जो सरफेसेस हैं, ये जो सरफेसेस हैं, दिस इज सरफेस नंबर वन, दिस इज सरफेस नंबर टू,
ये दोनों बाहर की तरफ को कर्व्ड होते हैं। बाहर की तरफ को कर्व्ड का मतलब हम यहां से देखेंगे, जब मैं इस सरफेस को देखूंगा तो यहां से देखूंगा, यहां से देखेंगे तो ये बाहर की तरफ को कर्व्ड है, कुछ ऐसे कर्व्ड है, कुछ ऐसे कर्व्ड है बाहर की तरफ को। और अगर मैं इस सरफेस को देखना चाहूं तो कुछ यहां से देखूंगा, यहां से देखेंगे, यहां से अगर मैं देखूं तो ये वाला सरफेस इस साइड को कर्व्ड है। तो बोलने का मतलब, अब देखिए डेफिनेशन यहां पे लिख देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस क्या है? कॉन्वेक्स लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल having both of its surfaces curved outward। कोई रट्टा नहीं मारना है, जो डायग्राम में बना है वही हमने लिखा है। एक डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन और दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? कॉन्वेक्स लेंस इज अ लेंस विच इज, बीच से मोटा है, विच इज थिकर एट सेंटर एंड थिन एट एजिज, या थिन एट साइड्स ऐसे भी लिख सकते हैं आप। एजिज पे पतला है, बीच में मोटा है, ये है हमारा जो है कॉन्वेक्स लेंस। सेकेंड वन। अच्छा, एक और चीज़, बना कैसे कॉन्वेक्स लेंस, कैसे बना? अब देखो यहाँ पे ये कैसे बना होगा कॉन्वेक्स लेंस, ये भी बता देता हूँ। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, आपसे इतना ही पूछा जाएगा, लेकिन वही है ना कि जब तक पूरा ना बता देना खुद को तसल्ली नहीं होगी। तो ये भी देख लीजिए, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखिए कैसे बना होगा। दिस इज सरफेस नंबर वन, ये है सरफेस नंबर टू, ये हमारे पास कोई दो सरफेस हैं, सरफेस नंबर वन बिल्कुल सर्कुलर, सरफेस नंबर टू बिल्कुल सर्कुलर। C1 इज सेंटर ऑफ दिस सरफेस नंबर वन, C2 इज सेंटर ऑफ दिस सरफेस नंबर टू। अगर मैं इन दोनों को कुछ इस तरह से मिलाऊं, अगर मैं इन दोनों को कुछ इस तरह से मिलाऊं, यहाँ पे देखिए, अगर इन दोनों को मैं, ये था हमारे पास सरफेस नंबर वन जिसका ये रहा सेंटर C1, C2 को मैं कुछ इस तरह से ले आऊं, इस तरह से अगर हम इनको मिला दें, इस तरह से अगर हम इनको मिला दें, आई होप विजिबल होगा, आपको देख पा रहे होंगे। तो बच्चों ये जो ये वाला पोर्शन बना, देखिए कौन सा लेंस बन गया है, मैच कर रहा है, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। तो इस तरह से दो सरफेसेस को मिलाया गया, इस तरह से दो सरफेसेस को मिलाया गया, मिलाने पे ये जो बीच वाला पोर्शन इंटरसेक्शन पार्ट हमें मिला, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, इसे हम काट लेंगे, ये हमारे पास बन गया कॉन्वेक्स लेंस। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट करने वाली क्या है, जब भी लेंस की बात करेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया दो सरफेस होते हैं, दो सरफेस, एक था C1 का, दूसरा था C2 का, यानी सरफेस नंबर वन का सरफेस, सरफेस नंबर टू का सरफेस। दूसरी चीज, कितने सेंटर होते हैं लेंस में, कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे लेंस में, हमेशा दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। इसी चीज़ को अगर मैं अब ये चीज़ें यहाँ से मिटा दूँ, डॉटेड पोर्शन अगर हम मिटा दें, तो अब देखिए ये बना कॉन्वेक्स लेंस। इस सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, इस सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा। तो दो सरफेस, जितने सरफेस उतने ही सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो सरफेस दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस सरफेस के लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस सरफेस के लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये चीज़ भी आपको बतानी थी। दिस इज ऑल अबाउट कॉन्वेक्स लेंस, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन सो दैट वी कैन प्रोसीड टू द कॉन्केव लेंस। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। कमिंग टू द कॉन्केव लेंस, और वो कैसे बना होगा वो भी देख लेंगे।
बच्चों आपको ये जो लेक्चर सीरीज़ हमारी चली है क्लास टेंथ साइंस की, कैसी लगी? आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। हमारे लिए भी ये थोड़ा मोटिवेशन का पॉइंट रहता है कि अगर आप लोग अपना फीडबैक शेयर करते हैं तो क्या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, वो भी पता चलता है। तो मैं फीडबैक को कभी नेगेटिव नहीं लेता, चाहे फीडबैक पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमारे लिए हमेशा वो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। तो ज़रूर शेयर करें। आपको ये जो वीडियो लेक्चर है, बच्चों 12th लेक्चर चल रहा है, काफ़ी मेहनत लगी है लेक्चर रिकॉर्ड करने में भी, समझाने में भी। कैमरा के सामने जब खड़े होकर हम कुछ बोलते हैं तो, और जब सामने ऑडियंस नहीं होती, सामने कोई नहीं होता, तो ये अपने आप में एक टास्क होता है कि आप किस तरह से लेक्चर कंडक्ट करते हैं, आपका टेम्परामेंट कैसा रहता है। थोड़ा कई बार अजीब भी लगता है कि मैं किसे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन दैट्स फाइन, अब तो आदत भी हो गई है। लेकिन अगर आप फीडबैक शेयर करें, क्या आपको गुंजाइश लगती है, क्या अच्छा किया जा सकता है, क्या अच्छा चल रहा है, ये सब अगर आप बताएं तो हमें भी अच्छा लगेगा। कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, दैट इज़ कॉनकेव लेंस। कैसे हमने इसका फिगर ड्रॉ किया था, पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरह के दो सरफेसेस और हमने इन्हें ऐसे मिला दिया, दिस इज कॉनकेव लेंस। कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले तो वही, देखिए बच्चों, ये बीच से पतला है, अगर हम एजिस पे जाएं तो एजिस पे मोटा है, डेफिनेशन नंबर वन। सेकंड, यहाँ हमारी बटन जैसी आँख, अगर मैं यहाँ से इस सरफेस को देखूँ तो ये अंदर की तरफ को, यानी हमारी तरफ को कर्व्ड है। इस सरफेस को देखें तो कुछ यहाँ से देखेंगे, ये वाला सरफेस हमारी तरफ को कर्व्ड है, यानी कुछ इस तरह से कर्व्ड है, हमारी तरफ को कर्व्ड है। कैसे लिखेंगे? उसके बिल्कुल अपोजिट जो हमने लिखा था। सो कॉनकेव लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल इज अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल हैविंग बोथ ऑफ इट्स सरफेसेस कर्व्ड इनवर्ड। सो दिस इज डेफिनेशन नंबर वन। और डेफिनेशन नंबर टू, कॉन्वेक्स लेंस इज अ लेंस हैविंग, या ऐसे लिखें, विच इज थिन एट सेंटर एंड थिक एट एजिस। तो अगर लैब में अब लेंस दे दिए जाएं तो आई होप आप इजीली पहचान लोगे। जो लेंस आपको दिया जाएगा उसमें से एक लेंस ऐसा होगा जो बीच से मोटा होगा और साइडों से पतला होगा। कौन सा लेंस होगा? वो होगा कॉन्वेक्स लेंस, बीच से पतला साइडों से मोटा, वो होगा आपका जो हम अभी पढ़ रहे हैं, दैट इज़ कॉन्केव लेंस। और जो बिल्कुल जिसमें ना सेंटर से मोटा पतला बिल्कुल बराबर होगा, वो आपकी ग्लास लैब होगी, आप इजीली पहचान लोगे। तो ये इजी डेफिनेशन है। अब ये कैसे बना होगा ये भी देख लीजिए। फिर से हमारे पास सरफेस नंबर वन, ये इसका सेंटर C1, दिस इज सरफेस नंबर टू, ये इसका सेंटर, इतना पोर्शन हमने काट लिया और इनको किसी मटेरियल से मिला दिया जिस मटेरियल के ये सरफेसेस होंगे, तो ये जो हमारे पास बन के तैयार हो गया, दिस इज कॉनकेव लेंस। इसके भी कितने सरफेसेस? दो सरफेसेस। कितने सेंटर होंगे? दो सेंटर होंगे, C1 C2। अब अगर ये पोर्शन मैं मिटा दूँ तो देखिए कौन सा हमारे पास लेंस बन के तैयार होगा, दैट इज़ कॉनकेव लेंस। अब यूजेज़ अगर आप देखना चाहें, यूजेज़ क्या थे, कहाँ कहाँ हम लेंस को यूज़ करते हैं, यूजेज़ ऑफ लेंस
कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं इन स्पेक्टेकल्स यानी चश्मों में, इन टेलीस्कोप, इन माइक्रोस्कोप चीज़ों को बड़ा छोटा करके देखने के लिए, इन कैमराज एट्सेट्रा, ये कुछ यूज़ेस हैं लेंस के, जहाँ जहाँ पे हम लेंस को देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत लंबा लेक्चर नहीं था, 20-25 मिनट का ये लेक्चर रहा, लेकिन बिल्कुल बेसिक था। तो आई होप जितना हमने आज पढ़ा है आपको समझ आया होगा, अच्छे से आपने अपने नोट्स आप प्रिपेयर करें, और बच्चों फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा आपको ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट सीरीज़ कैसी लग रही है, सो दैट हम कुछ और बेटर आपके लिए कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।